एक गांव में चांदनी नाम की एक लड़की रहती थी। वो हर रोज जंगल जाकर वहां रहे तरह तरह फूलों को तोड़कर उन फूलों को घर लाकर पुष्प गुच्छे बनाती थी। उनको लेके गांव के पास रहे शहर में उनको रोड साइड रख के उनको बेच के पैसे कमाती थी। इस तरह उसकी जिंदगी बिताने लगी। एक दिन उसके पास एक आदमी कार में आता है। बच्ची, मैं तुम्हें थोड़े दिनों से देख रहा हूँ। तेरे पास रहे पुष्प गुच्छे बहुत अच्छे हैं। तू ये फूल कहाँ से ला रही हो? तब चांदनी बहुत विनम्रता से, ये फूल खेत में उगे फूल नहीं है सर, जंगल में मिले फूल हैं। ये फूल मैं जंगल से लाकर खुद बनाती हूँ। वेरी गुड। परसों मेरे घर में फंक्शन है, मेरे लिए तू 50 सुंदर सुंदर फूल गुच्छे तैयार करना। मैं परसों इसी टाइम को आकर ले जाऊंगा। ठीक है सर। ऐसे कह के बाकी फूल गुच्छों को बेचकर घर चली जाती है। अगले दिन चांदनी जंगल में रहे फूलों को तोड़ने जाने लगी। वहाँ हर रोज मिले फूल ही दिखाई देते हैं। यही फूलों से फूल गुच्छे बनाने से शायद नए नहीं लगेंगे, जंगल के और अंदर जाने से शायद नए फूल मिले। ऐसे सोच के जंगल में थोड़ी दूर जाने के बाद नए तरह के रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं। चांदनी उनको देख के बहुत खुश होती है। आहा, कितने सुंदर सुंदर फूल हैं, देखते ही मन भर गया। ऐसे कह के वो फूलों के पौधों के बीच जाकर फूल तोड़ते समय उन पौधों से एक अजीब सा चमकता हुआ पक्षी हवा में उड़ के जाने लगी। उसे देखकर चांदनी आश्चर्य हो जाती है। अरे, ये जंगल में बहुत सारे अजीब चीजें हैं। ऐसे पक्षी को मैं बाहर कहीं नहीं देखी। ऐसे सोच के बहुत सारे फूल तोड़कर घर जाती है। उन फूलों को पास रख के फूल गुच्छे तैयार करने लगती है। फूल खत्म हो जाने के बाद आखिर में चमकता हुआ एक सुंदर सा पंख दिखाई देता है। उसे देखकर चांदनी आश्चर्य हो जाती है। उसे हाथ में लेके, आ, लगता है ये जंगल में दिखाई दे उस अजीब पक्षी का पंख है। ये बहुत सुंदर है। ये चमकता हुआ पंख बालों में लगाने से और सुंदर रहेगा। ऐसे सोच के उस पंख को लेके बालों में लगाती है। उससे एकदम से चांदनी को पंख निकलते हैं। यह देख के चांदनी शॉक हो जाती है। तुरंत बालों से उस पंख को निकाल देती है। तब उसके पंख भी गायब हो जाते हैं। अरे, शायद ये पंख उसी जादुई पक्षी के पंख हैं। इसे बालों में लगाते ही माया पंख आ गए हैं। एक बार मैं इन पंखों से उड़कर देखती हूँ। ऐसे सोचकर फिर से पंख को बालों में लगाते ही चांदनी के पंख निकल आते हैं। उसके बाद पंख हिलाते अच्छे से हवा में चक्कर मार के नीचे आती है। इस तरह चांदनी को पंख आकर उड़ने पर वो बहुत बहुत खुश होती है। बाप रे, ये सपना है या सच है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं पक्षी जैसे हवा में उड़ रही हूँ, कभी नहीं सोची। ऐसे हवा में उड़ना बहुत अच्छा है। इसके बारे में मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। ऐसे सोच के उस पंख को बहुत संभाल के अपने पास रखती है। इस तरह अगले दिन सभी पुष्प गुच्छों को लेकर उस व्यक्ति को बेचती है। यह व्यक्ति उस सुंदर से पुष्प गुच्छों को खरीद के चांदनी को ज्यादा पैसे देता है। उसके बाद चांदनी जब भी जंगल जाती है, वहाँ कोई न रहने पर उन पंखों की सहायता से हवा में उड़ के जंगल पूरा घूमने लगती है। पंख रहने पर उसका काम जल्दी से खत्म करके घर आती है। इस तरह दिन बीतते गए, पैसे भी बहुत सारे जमा होते हैं। तब उसके पास रहे पैसों से एक छोटा सा फूल गुच्छों का शॉप खोलने के लिए किराए में लेकर उस दुकान में पुष्प गुच्छे और तरह तरह के फूल बेचना शुरू करती है। अगले दिन एक व्यक्ति उसके 3 साल के बच्चे को लेकर स्कूटर में आता है। छोटू, तू यहीं रह, मैं अभी आता हूँ। ऐसे कह के गुस्से से चांदनी के दुकान के पास जाता है। ए लड़की, तुझे कौन इस एरिया में शॉप रखने को बोले? मुझे कोई नहीं बोले, मैं ही यहाँ रखी। यहाँ से तू दुकान निकाल देने से अच्छा रहेगा, तेरी दुकान के वजह से मेरा व्यापार खराब हो जाएगा। किसका व्यापार उसका है? आप मुझे दुकान निकालने को कहना ठीक नहीं है। मेरी बात मान और कल तक तू ये दुकान यहाँ से निकाल दे, समझी? ऐसे धमकी देके पीछे मुड़ के गाड़ी के पास जाता है। वहाँ रहे उसका छोटा बेटा दिखाई नहीं देता। घबराता हुआ इधर उधर देखने पर वो छोटा सा बच्चा रोड पर जाने लगता है। उसे देखकर वो व्यक्ति, बेटा उधर मत जाओ,
ऐसे जोर से चिल्लाकर भागने लगा। इतने में उस बच्चे के सामने से एक बड़ा लॉरी आने लगा। यह देख के चांदनी उस बच्चे को लॉरी टक्कर देगी करके उसके पास रहे पंख को बालों में लगाते ही माया पंख आ जाते हैं। तब तुरंत हवा में उड़कर उस बच्चे को बचाती है। वहाँ सभी देखकर आश्चर्य हो जाते हैं। बच्ची, आज तू अगर नहीं होती तो मेरा इकलौता बेटा जिंदा नहीं रहता। मैं ऐसे कहने के लिए मुझे माफ करो बच्ची, और एक बार मैं तुझे तंग नहीं करूँगा। ऐसे कह के उसके बेटे को लेके वहाँ से चला जाता है। चांदनी का दुकान बहुत अच्छे से चलने पर उस दुकान में 4 लोगों को काम में रखती है। जोगापुर गांव में चांदनी नाम की एक लड़की रहती थी। उसका पिता बहुत गरीब किसान रहने पर पिता की मेहनत से ही घर चलता था। ये चांदनी बहुत बुद्धिमती लड़की रहने पर पढ़ाई में सबसे पहले रहती थी। कैसे भी उसकी पढ़ाई से उसकी परिवार की स्थिति बदलना चाहती थी, ये उसकी इच्छा थी। इसलिए उसके पिता को ज्यादा मजबूर नहीं करती थी और होम ट्यूशंस बोल के उसके पढ़ाई के लिए चाहिए पैसों को वो खुद कमाती थी। एक दिन उसकी माँ घर में बहुत खांस रही थी। चांदनी होम ट्यूशंस खत्म करके घर आके माँ को खांसी कम होने की दवाई देती है। तब माँ ऐसे कहने लगी, बेटी, मेरी खांसी की दवाई के लिए तुम मेहनत से कमाए पैसों को क्यों खर्चा की? ये पैसे तुम परीक्षाओं के लिए और पुस्तकों के लिए कमा रहे हो ना बेटी? कोई बात नहीं माँ, तुम 10 दिन से खांस रही हो, तेरी सेहत से ज्यादा मेरी पढ़ाई नहीं है माँ, ऐसे चांदनी कहती है। इस तरह वो ऊंची पढ़ाई करने की इच्छा और अच्छा जॉब करने की जिद को पूरा करने के लिए उसकी मेहनत से कमा के बड़ी बड़ी परीक्षाएं लिखने लगी। माँ के लिए खांसी की दवाई खरीदने पर एक परीक्षा का एप्लीकेशन खरीदने के पैसे कम हो जाते हैं। ऐसे दिन बीतते गए। एक दिन परेशान से घर में बैठी चांदनी से पिता ऐसे कहने लगा, क्यों ऐसे परेशान लग रही हो बेटी? पापा, मैं 6 महीने पहले एक एग्जाम लिखी, उसके रिजल्ट्स इस महीने में आना था, अभी तक वो 2 बार पोस्टपोन हो गए, अभी फिर से पोस्टपोन हुए। मुझे आशा है वो रिजल्ट्स आने से हमारी जिंदगी बदल जाएगी। देखो बेटी, हमारी जिंदगी बदलेगी करके राह देखते देखते मैं 50 साल का हो गया। तेरी माँ को वो बेकार का रोग भी लग गया, इसलिए मेरी बात सुन। हमारी जिंदगी बदलने के बजाय रहे सो में कैसे जीना है करके सोचने से अच्छा है बेटी, ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के तू कोई काम ढूंढने से अच्छा रहेगा, कुछ ना कुछ पैसे तो आएंगे। इस तरह उनके दीन स्थिति को कठोर शब्दों में बेटी से कहने पर पिता के मन में रही दर्द चांदनी को समझ में आता है। इसलिए उसी गांव में रहे मिल में अकाउंट्स लिखने का काम में लग जाती है। वो कमाई से भी उनकी परेशानियां खत्म नहीं होते और बीच बीच में उस गांव से बाजू गांव को दूध के मटके, दही के मटके ले जाके आए हुए पैसों से परिवार चलाने में चांदनी हाथ बटाती है। इस तरह काम करते समय एक दिन उसकी माँ की तबीयत बिगड़ने पर वो काम किए मिल ओनर के पास थोड़े महीनों का तनख्वाह पहले ही एडवांस में लेके उसकी माँ का इलाज कराती है। तनख्वाह कर्जे में लेने पर हर रोज काम को जाके वो कर्जा चुकाने लगी। इस तरह दिन बीतते गए। चांदनी के पास एक दिन उसकी सहेली आके ऐसे कहने लगी, चांदनी, ए लो एप्लीकेशन, घर में मुझे रिश्ते देख रहे हैं, मैं एग्जाम लिखने पर भी उपयोग नहीं है, इसलिए कम से कम तू ही एग्जाम लिखना, एप्लीकेशन देने के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी है। चांदनी, नहीं रे, अभी हम रहे परिस्थिति में एग्जाम लिखने के लिए मटेरियल को सेकंड हैंड में खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए तू ही लिखना, ऐसे मन की इच्छा तोड़ कर कहती है। तब उसकी सहेली ने, पागल, मैं एप्लीकेशन के साथ साथ मटेरियल भी दूंगी, ये लो ये एप्लीकेशन फिलअप करके पोस्ट कर दे, वो मटेरियल मैं तेरे लिए लाती हूँ। ऐसे सहेली कहने पर चांदनी खुशी से उसकी सहेली को गले से लगा के रोने लगती है। चांदनी पढ़ाई को उतना चाहती है। इस तरह पिता ना कहने पर भी
उसकी सहेली की मदद से एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रही चांदनी उसकी पढ़ाई से पिता गुस्सा होगा सोचकर पिता को बिना बताए बिना पता चले दिन रात मिल में काम करते समय बीच बीच में मिले खाली समय में पढ़ के बिना पिता को पता चले वो एग्जाम लिखती है। वो एग्जाम लिख के एक महीना बाद बहुत पहले लिखे एग्जाम का रिजल्ट्स भी आते हैं और नई नई लिखी एग्जाम्स के रिजल्ट्स भी आते हैं। दोनों एग्जाम्स में चांदनी अच्छा रैंक हासिल करती है। तब चांदनी की सहेली आके ऐसे कहने लगी, चांदनी आखिर में तुझे अच्छा रैंक मिला रे, ये रिजल्ट से तुझे एक अच्छा जॉब मिलेगा, वो भी एक नहीं दो मौके दिए हैं उस भगवान ने। ऐसे कहते समय चांदनी का पिता वहां आके ऐसे कहने लगा, बेटी ये सब उस भगवान के दिए मौके हैं। मेरी बेटी मुझे बताए बिना दिन रात मेहनत से पढ़ाई की, इसलिए इसके मेहनत से एक के दो जॉब करने के रास्ते खुले। हाँ पापा, आगे से हमारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगे, माँ की तबीयत भी ठीक हो जाएगी। ऐसे बहुत खुश होती है, उसको सपोर्ट किए उसकी सहेली को थैंक्स बोलती है। इस तरह चांदनी जैसे गरीब घर की लड़की एक ही बार टॉप रैंक्स हासिल करने पर बहुत सारी कंपनियों से आकर चांदनी के परिवार को फाइनेंशियली मदद करने पर उसकी माँ का इलाज होके परिवार की परेशानियाँ खत्म हो जाते हैं। उसकी मेहनत से उसकी परिवार वालों की जिंदगी बदलकर कष्टे फले जैसे कहावत का सच्चा उदाहरण बनती है चांदनी।